हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस पी, हेयर पी इज कॉन्स्टेंट एंड दिस रिजल्ट वी हैव टू प्रूव। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी दैट इज लॉग ए बी लॉग ए प्लस log b। सो log एक्स वाई को हमने लिख दिया log ऑफ x प्लस log ऑफ y। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सो log x प्लस y का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस y d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस y, दैट इज चेन रूल। सिमिलरली log y का 1 अपॉन y d बाई डी एक्स ऑफ y, और p तो कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब d by dx of x plus y, x का डेरिवेटिव 1 एंड d by dx of y, और ये साइड एज इट इज। अब 1 upon x plus y की मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 upon x plus y, 1 upon x plus y dy by dx, और ये दो टर्म्स एज इट इज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट किया एंड विदाउट dy by dx को दूसरी साइड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy by dx कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 1 upon x plus y minus 1 upon y and this। नाउ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन है, साइन विल गेट चेंज, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर y अपॉन x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्या हो जाएगा फाइनली, आई विल राइट हियर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ये इधर शिफ्ट होगा, सो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें दिया है लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 2 एंड डी वाई डी एक्स में ये रिजल्ट प्रूव करना है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लॉग हटाते हैं, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट चेन रूल, तुम्हें रिजल्ट देखकर थोड़ा सा सोचना है क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट चेन रूल से भी कर सकते हैं, बट अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हम वो रूल यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें ये लॉग हटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मोस्टली जब भी इस फॉर्म में रहेगा ना, ए प्लस बी अपॉन ए माई, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये लॉग हटाना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 10, ये बेस इधर शिफ्ट होगा 10 स्क्वायर, दैट इज़ ये हो जाएगा 100 या ओके 10 स्क्वायर अपॉन 1। नाउ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ किया है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये क्या हो जाएगा, ए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, सेम हेयर, 100 प्लस 1, 100 माइनस 1, सो ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2x क्यूब अपॉन माइनस 2y क्यूब इक्वल्स टू 101 अपॉन 99। नाउ ये 2 से ये 2 कैंसिल, y क्यूब को इधर शिफ्ट करते हैं 99101 को इधर, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब 101 अपॉन 99। शिफ्ट कर देते हैं 99 एक्स क्यूब 101 को नीचे इक्वल्स टू वाई क्यूब। थोड़ा मैच हो रहा है ना, रिजल्ट को देखते हुए हम अपने आगे के स्टेप्स चलेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 99 अपॉन 101 कॉन्स्टेंट,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब. नाउ वॉट इज डेरीवेटिव ऑफ वाई क्यूब, इट इज 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ पर माइनस 99 अपॉन 101. एक्स क्यूब का डेरीवेटिव 3x स्क्वायर और यहाँ पर भी 3y स्क्वायर बट चेन रूल 3 से 3 कैंसिल. सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज 99 अपॉन 101 एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर नीचे शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज द रिजल्ट दैट वी वॉन्ट. स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट विच इज सेम एज सेकेंड वन. सो यहाँ पर हम लिख देंगे x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 4 5 स्क्वायर. नाउ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो द स्टेप्स आर सेम. सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड नीचे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर साइन विल गेट चेंज 25 प्लस 1 25 माइनस 1. सो ये कैंसिल डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया हमें आई कैन राइट हेयर 2x टू दी पावर 4 2y टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 26 अपॉन 24. ओके अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल 13 ये 12. सो इधर हो जाएगा 12 अपॉन 13 एक्स टू दी पावर 4 इक्वल्स टू वाई टू दी पावर 4. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. सो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y टू दी पावर 4. नाउ वॉट इज डेरीवेटिव ऑफ x टू दी पावर 4 फोर एक्स क्यूब एंड y टू दी पावर 4 फोर वाई क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ y. नाउ ये 4 से ये 4 कैंसिल सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ये y क्यूब नीचे शिफ्ट हो जाएगा सो 12 अपॉन 13 x क्यूब अपॉन y. सो यहाँ पर आई थिंक टेक्स्ट बुक में माइनस साइन शुड नॉट बी देयर. आंसर इज 12 अपॉन 13 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब. फोर्थ वन लेंगे जिसमें ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई दिया है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है. सो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल वे में दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x. So ये हो जाएगा d by dx of e to the power x d by dx of e to the power y और यहाँ पर d by dx of e to the power x plus y. Now e to the power x का derivative e to the power x e to the power y का derivative e to the power y d by dx of y और ये हो जाएगा e to the power x plus y और यहाँ क्या लिखना चाहिए d by dx of x plus y. ये हो जाएगा e to the power x plus e to the power y dy by dx e to the power x plus y derivative of x 1 derivative of y dy by dx. सो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर. सो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस y e टू दी पावर x प्लस y dy वाई बाय डी एक्स. अब सेम जैसा हम आगे करते आ रहे हैं dy वाई बाय डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड में आनी चाहिए e टू दी पावर y dy वाई बाय डी एक्स माइनस और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड में ये लिख दिया. अब इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ओके तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस
वाई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब हमें आगे का स्टेप रिजल्ट तक पहुँचना है, तो आगे के स्टेप्स हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई और कॉमन लेती हूँ तो भी ये रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो हमें रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। e टू दी पावर x प्लस वाई, अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में? ये वैल्यू, तो ये फर्स्ट है ना, यहाँ से पुट कर देंगे e टू दी पावर x e टू दी पावर y, और ये एज इट इज़ लिख दिया। सिमिलरली न्यूमरेटर में भी e टू दी पावर x e टू दी पावर y, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया e टू दी पावर y माइनस ई टू दी पावर एक्स। आगे का जो स्टेप रहेगा, एक बार हमने नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दिया, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा। सो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ गया माइनस ई टू दी पावर वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स। एंड वी नो लॉज ऑफ इंडाइसिस, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट एंड वी विल रीच टू दिस रिजल्ट। फिफ्थ पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ दिस इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स। अगेन यू कैन सी दैट ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सेम टाइप है। पहले साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन पाई बाय सिक्स, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय सिक्स, दैट इज 1/2। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ हाफ, सो ये क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम हेयर हाफ 1/2 है ना, सो 1 + 2 1 - 2, ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये कितना आएगा इधर 2x⁵ - 2y⁵ 3/-1, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल, सो ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर 5 = 3y⁵। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर 5। नाउ एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव 5x⁴, और यहाँ पर 5y⁴ चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये 5 से 5 कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4/3y⁴। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स टू दी पावर वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। इन दिस फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, सो हमें लेना पड़ेगा लॉग ऑन बोथ द साइड। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर वाई लॉग ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, सो ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई, बट द वैल्यू ऑफ लॉग ई इज 1। Now in this type of question students, in which result what we have to prove if it is given, तो हमें result के according अपने आगे के steps करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ direct differentiate करती हूँ, तुम लोग try करके देखना, आगे जाकर फंसने वाले हो, फंस जाओगे, मतलब काफ़ी बड़ा सम हो जाएगा, और बाद में ऐसा नहीं आंसर आ जाएगा लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा अगर हम रिजल्ट को देखते हुए अपने आगे के मूव्स लेते हैं तो इजी हो जाएगा। y को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा y log x प्लस y equals to x, टेक y कॉमन, नाउ सी y आई हैव टेकन हेयर, y शिफ्टेड टू दिस साइड, नाउ यू कैन सी योर सेल्फ
कि y की वैल्यू कितनी आ गई है, x अपॉन 1 प्लस log x, और रिजल्ट में भी देख सकते हो कुछ 1 प्लस log x का स्क्वायर है, मतलब क्वेश्चन रूल. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ y, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं d by dx ऑफ x अपॉन 1 प्लस log x u अपॉन v. तो यहाँ पर सॉल्व करती हूँ मैं आगे का. सो ये क्या हो जाएगा, इधर dy by dx ये हो जाएगा v d by dx of u minus u d by dx of v upon v square. क्वेश्चन रूल यूज़ किया. सो 1 प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1. अब इधर 1 प्लस log x है तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. ये x से x कैंसिल, 1 प्लस log x माइनस 1, 1 प्लस log x होल ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल. सो यू कैन सी जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल गया है. dy by dx equals to log x upon 1 plus log x bracket square. और ये सब कमाल हुआ है किसकी वजह से, जो हमने y को शिफ्ट करके कॉमन लिया. अगर तुम ट्राई करना चाहो तो यू कैन ट्राई बाय अनदर मेथड ऑल्सो, यू कैन डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली ऑल्सो, यू विल गेट द रिजल्ट, बट सम स्टेप्स यू हैव टू डू एक्स्ट्रा. पार्ट जिसमें दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. सो इस टाइप के अभी और भी दो पार्ट्स आएंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या आएगा, पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये कॉस एक्स, पहले वाला एक कॉस एक्स छोड़ देते हैं. अप टू इन्फिनिटी दिया हुआ है रूट कॉस एक्स. अप टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी में से अगर हम एक कम भी कर देंगे तो भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा. तो इन्फिनिटी में से अगर हम ये कम कर देते हैं, सपोज हम इसको कंसिडर ही नहीं करते, तो वॉट इज दिस, ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का मेथड देखो. ओके, यहाँ लिखा है कॉस एक्स प्लस, सो एक फर्स्ट स्टार्टिंग वाले को छोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपनी जगह फर्स्ट वाला, और ये इसकी जगह हम वापस क्या लिख सकते हैं, y. ओके, नाउ रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ वाई d by dx of cos x. Now what is derivative of y square, 2y, chain rule say d by dx of y, then d by dx of y or cos x ka derivative hota hai minus sin x. So take dy by dx common, 2y minus 1 minus sin x, तो ये हो जाएगा dy by dx minus sin x upon 2y minus 1, और यू कैन से माइनस साइन, यू कैन टेक माइनस साइन कॉमन एंड यू कैन राइट sin x upon 1 minus 2y. दिस इज द डिज़ायर्ड रिजल्ट. ऐसा ही एक पार्ट और लेते हैं जिसमें cos x के प्लेस पर हमें क्या दिया हुआ है, log of x, रूट log of x प्लस रूट log of x, root log of x and so on up to infinity. Same way से चलेंगे, y equals to, ये log x छोड़ देंगे as it is, तो ये क्या हो गया, y. Now squaring on both sides.
स्क्वायरिंग करने पर यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो डिफरेंशिएट d by dx ऑफ y स्क्वायर d by dx ऑफ y सेम रहेगा, सिर्फ cos x की जगह आ जाएगा log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, बाकी एग्जैक्टली सेम चलेगा। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर एट्थ पार्ट। पार्ट में जो सिमिलर है सेवन्थ और एट्थ के जैसा ही है, अप टू इन्फिनिटी वाला केस है, तो यहाँ पर इस x को एक छोड़ देंगे और वापस इस सब को हम क्या लिख देंगे y। बट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन आ रहा है, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों ही साइड हमें log लेना पड़ेगा, और log लेने पर क्या आएगा, ये log ऑफ x टू दी पावर y, सो ये हो जाएगा y log x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ log y d by dx ऑफ y log x। नाउ log y का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन y, और चेन रूल का यूज करेंगे, सो d by dx ऑफ y, और यहाँ पर तो हम यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल y d by dx ऑफ log x प्लस log x d by dx ऑफ y। सो 1 अपॉन y d by dx ऑफ y, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और यहाँ पर हम लिख देंगे dy by dx। नाउ dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा वन अपॉन y माइनस, जब इसको शिफ्ट किया तो ये हो गया log x, dy by dx कॉमन ले लिया, यहाँ पर y अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा dy by dx 1 माइनस y log x अपॉन y इक्वल्स टू y अपॉन x। सो ये y शिफ्ट हो जाएगा y स्क्वायर x 1 माइनस y log x, दिस इज dy by dx। टेंथ वन स्टार्ट करते हैं, e टू दी पावर y इक्वल्स टू y टू दी पावर x, और ये रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में भी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, मतलब स्टार्टिंग होगी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ e टू दी पावर y log ऑफ y टू दी पावर x, ये हो जाएगा y log e equals to x log y। Now log e की वैल्यू होती है 1, so y equals to x log y। Now differentiating on both sides with respect to x, ये हो जाएगा d by dx of y, और यहाँ पर हो जाएगा d by dx of x log y, d by dx of y, इधर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल d by dx of x, so dy by dx equals to x log y का डेरिवेटिव 1 upon y dy by dx, और x का डेरिवेटिव 1। अब अगला स्टेप क्या होगा कि dy by dx वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 1 x upon y equals to log y, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं dy by dx, रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है और हमारा कुछ डिफरेंट आ रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें ये x अपॉन y नहीं चाहिए, मतलब x और y चाहिए नहीं, हमें तो log में आंसर चाहिए। अब ये कैसे हटाएं, तो इधर देखो यहाँ पर y किसके इक्वल है, y इक्वल है x log y के, तो जब हम यहाँ पर रख देंगे इसका मतलब हुआ x अपॉन y, या ऐसा कर लिख सकते हैं कि y अपॉन x क्या हो गया log y,
तो वो यहाँ पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट मार्क करते हैं और यहाँ पुट करते हैं। सो वन वाई अपॉन एक्स, अगर लॉग वाई है तो एक्स अपॉन वाई क्या होगा, वन अपॉन लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, लॉग वाई माइनस वन अपॉन लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग वाई। सो देयरफोर dy बाय dx log y into log y square upon log y minus 1, which is our desired result. That's all for this video, students. Thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning.